नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, अन्य कार्यकर्ताओं एवं किसानों द्वारा तहसील पे दिया धरना। और डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, पूर्व कैबिनेट मंत्री के खूब लगे जिंदाबाद के नारे। धरने में किसानों पर बढ़ रहे अत्याचारों और प्रदेश में बढ़ रहे अपराध, खास तौर पर महिला अपराध की वृद्धि और कोविड-19 के किट में हुए अरबों खरबों के घोटाले को लेकर सपा कार्यकर्ताओं द्वारा दिखी नाराजगी। और उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन को पूरी तरीके से असफल है इन अपराधों को रोके जाने का। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज समाजवादी पार्टी ऊंचा हार की ओर से ये समाजवादी पार्टी के साथियों से कहेंगे, ये धरना यहीं से नहीं रुकेगा। अगर जिस तरीके से किसानों की अनदेखी की जा रही है, बेरोजगार नौजवानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उनको रोजगार से छीना जा रहा है, सरकारी नौकरी देने की कौन बात करे, 5 साल की संविदा पर नौकरी देने के की बात का आयोजन हम करेंगे। संकेतिक शांतपूर्ण ढंग से जो किसान की, नौजवान की, गांव की, गरीब की, मजदूर की, अगड़ों की, पिछड़ों की, दलितों की, इन तमाम समस्याएं, अल्पसंख्यकों की, इन समस्याओं को लेकर के हम लोग संकेतिक धरना और ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। और इस धरने के माध्यम से, इस ज्ञापन के माध्यम से जो महामहिम राज्यपाल महोदया को संबोधित है के माध्यम से हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इसे दूर कराने का प्रयास करें। और अगर ये दूर नहीं होता तो अपने सभी नौजवान साथियों से कहेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहेंगे और किसानों से कहेंगे, क्षेत्र के साथियों से कहेंगे, अन्याय अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेंगे, थाने में दलाली नहीं बर्दाश्त करेंगे और अन्याय हुआ थाने समाजवादी लोग ना अन्याय करते हैं और ना अन्याय बर्दाश्त करेंगे। अब जहां अन्याय होगा, बहुत हम लोगों ने सह लिया है, अन्याय के खिलाफ वही धरने पर बैठा जाएगा, वही लड़ाई भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पुनः आप सबका आभार प्रकट करते हैं, अपने साथियों का आभार प्रकट करते हैं कि इतने खराब क्या कार्यक्रम किया गया। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की ओर से प्रदेश में किसानों पर बढ़ रहा अत्याचार, प्रदेश में बढ़ रहे अपराध और खासकर महिला अपराधों में वृद्धि, और जिस तरीके से कोविड-19 की किट में हुई घोटाले, अरबों रुपए के घोटाले, कोविड हॉस्पिटलों की खराब परिस्थितियां, और जिस तरीके से थाने और तहसील में लगातार आम जनता को सुनवाई नहीं हो रही है, उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है, लगातार हत्याओं का दौर उत्तर प्रदेश में चालू है, यूरिया किसानों से गायब है, छुट्टा जानवर कहीं ना कहीं किसान को पूरी तरीके से बेदखल कर दे रहे हैं खेती से, आज इन किसान नौजवान, बेरोजगार नौजवान, गरीब मजदूर, नहरों में पानी नहीं, यूरिया कहीं है नहीं, इन सब तमाम मुद्दों पर आज समाजवादी पार्टी का एक दिवसीय ज्ञापन का कार्यक्रम था। समाजवादी पार्टी के हजारों साथियों ने आज यहाँ ज्ञापन देने का काम किया है और महामहिम राज्यपाल महोदया के माध्यम से सरकार को हम लोगों ने सचेत करने का काम किया है कि जनता की इन मुद्दों पर तुरंत ध्यान दिया जाए, इनका निराकरण कराया जाए। अगर ये निराकरण नहीं कराया जाएगा तो आने वाले दिनों में मुशाहर में हम लोग फिर धरने के लिए विवश होंगे। कितने सूत्री ज्ञापन दिया गया है? 13 सूत्री ज्ञापन आज यहाँ पर दिया गया है जो जनता से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इन मुद्दों को महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से दिया गया है उप जिलाधिकारी मुशाहर को। इसके पहले हमने डलमऊ में दिया है आज, और मेरी हम सब की पार्टी की मांग ये है कि जनता से जुड़े इन मुद्दों को तत्काल इसका निराकरण कराया जाए।